हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अल्प्स माउंटेन आर स्प्रेड ओवर। अल्प्स माउंटेन जो है कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, तो ये है अल्प्स माउंटेन और ये स्प्रेड है कहाँ पे, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली एंड ऑस्ट्रिया। ये देखिए स्लोवेनिया भी है, ऑस्ट्रिया, लिस्टेनस्टिन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस एंड इटली, ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। धौलागिरी पीक इन द हिमालयन रेंज इज लोकेटेड इन। तो धौलागिरी पीक कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये देखिए ये रहा आपका धौलागिरी और ये लोकेटेड है कहाँ पे, नेपाल में। आंसर इज बी। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इन सीटू इज नोन एज। रॉक इन सीटू, इन सीटू मतलब अपनी ही जगह पे, मतलब अपने ही परिवेश में। ओके, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक को क्या कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है। वेदरिंग इज द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इन सीटू। इन सीटू का मतलब इन द प्लेस वेयर दे आर, मतलब जहाँ पे हैं वहीं पे गिर जाएं। ओके, नेम द कॉन्टिनेंट दैट फॉर्म ए मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज बनाते हैं एक दूसरे की, ये कौन से कॉन्टिनेंट हैं, तो ये कॉन्टिनेंट है अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ओके, आंसर इज सी। द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज। यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है वर्ल्ड की, तो ये है हिमालयन रेंज। ये न्यू फोल्ड माउंटेन कहा जाता है इसको, न्यू फोल्ड माउंटेन की श्रेणी में ये आता है और ये यंगेस्ट है। और इंडिया में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये है अरावली, ये सबसे ओल्ड है। ओके, और हिमालय इज द हाईएस्ट एंड वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड और ये जुरैसिक पीरियड से बिलोंग करता है। ओके, विच इज मेन कॉज ऑफ सुनामी। मेन कॉज ऑफ सुनामी को क्या है, तो इसका कॉज है अर्थक्वेक ऑन सी सरफेस। आंसर इज सी। सुनामी आर डिस्ट्रक्टिव सी वेव्स विच आर जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक्स ऑन सी फ्लोर्स, वेयर एज टाइड्स आर जनरेटेड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। टाइड और सुनामी में फर्क होता है। सुनामी जो है वो अर्थक्वेक ऑन सी सरफेस की वजह से होता है और जो टाइड है वो जो ग्रेविटेशनल पुल होता है मून और सन का, उसकी वजह से होता है जैसे। ओके, द काज ऑफ अर्थक्वेक इज। अर्थक्वेक का काज क्या होता है, तो डिस्टर्बेंस इन अर्थ सरफेस काजेज अर्थक्वेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एसिड इग्नियस रॉक इज। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है इग्नियस रॉक का, एसिड इग्नियस रॉक का क्या, ग्रेनाइट। आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इन ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेटू मतलब ये वाला पार्ट की बात हो रही है, और हाइएस्ट पीक यहाँ की है कौन सी, अनाईमुडी। आंसर इज ए, यहाँ पे है अनाईमुडी। ये बिलोंग करता है कहाँ पे, केरला से, और इसकी जो एलिवेशन है ये है 2695 मीटर की इसकी एलिवेशन है। ओके, और इसको क्या कहा जाता है, एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया इसको कहा जाता है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द मेन रीजन फॉर द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिसीव एन एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 60 सेंटीमीटर। लेस देन 60 सेंटीमीटर की बारिश जो है ये रिसीव करता है जो डेक्कन प्लेटू है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है इट इज रेन शेडो जोन रीजन। आंसर इज ए। मैप में समझते हैं, तो ये रहा वेस्टर्न घाट, यहाँ पे सह्याद्री हिल भी इस कहा जाता है और ये रहा डेक्कन प्लेटू। जब यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आता है तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उससे टकराकर इधर साइड ही बारिश कर देता है, इसको कहा जाता है लीवर्ड साइड। ओके, लीवर्ड साइड नहीं, सॉरी, इसको विंडवर्ड साइड कहा जाता है। विंडवर्ड साइड इसको कहा जाता है और इस साइड वाले को कहा जाता है लीवर्ड साइड या रेन शेडो रीजन कहा जाता है। इस साइड बारिश हो जाती है और इस साइड बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से इधर साइड
मतलब 6 सेंटीमीटर से कम बारिश ये रिसीव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस ऑफ द नेम ऑफ द बाउंड्री लाइन्स एंड दे आर रिलेटेड कंट्री आर करेक्ट। बाउंड्री लाइन्स दी गई हैं और उससे रिलेटेड कंट्रीज दी गई हैं, कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है। मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिल्कुल ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है वहाँ पे मैकमोहन लाइन है। रेडक्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी ठीक है। डूरंड लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, डूरंड लाइन देखिए इंडिया और अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ये स्टेटमेंट गलत है। पार्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये स्टेटमेंट सही है। सो आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 4। सो द आंसर इज बी, 1, 2 एंड 4। और डूरंड लाइन को जो मार्क किया गया था, ये मार्क किया गया था 1893 में। ओके, पोंगपुई इन मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ये रहा आपका ब्लू माउंटेन, मिजोरम में ये है। और हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द मिजो हिल्स एंड इन मिजोरम, ये जो ब्लू माउंटेन है ये हाईएस्ट पीक है मिजो हिल्स की। बुट झोला किया इज मेनली ग्रोन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, किस स्टेट में ये मेनली ग्रो होता है, तो ये ग्रो होता है मेनली असम में। ओके, द भूट झोला किया और घोस्ट पेपर और भूटान पेपर इसको कहा जाता है, ये एक चिली पेपर कल्टिवेटेड है, कल्टिवेटेड होता है कहाँ, नॉर्थ इंडिया में, इसको ये एक प्रकार का चिली पेपर है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो फिरोजाबाद जो कि यूपी में है, यहाँ ग्लास बैंगल्स हैं, बिल्कुल ठीक है। और भागलपुर बिहार जो है वो सिल्क के लिए फेमस है। जालंधर पंजाब में स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए फेमस है, बिल्कुल ठीक है। सांबर यहाँ प्रिंटिंग हैंड ब्लॉक नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। और नॉट करेक्टली मैच पूछा है, सो द आंसर इज डी। सांबर देखिए फेमस है किसके लिए, ये लेक के लिए फेमस है और साल्ट प्रोडक्शन यहाँ होता है। ओके, साल्ट प्रोडक्शन के लिए ये फेमस है। और ये प्रिंटिंग हैंड ब्लॉक जो है ये कहाँ पे, जयपुर में होता है। विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करता है, तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट है, आंसर इज सी। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो ये है वोल्गा रिवर, ये रही देखिए मैप में वोल्गा रिवर। और इसकी कुल लंबाई है 3531 किलोमीटर की है इसकी कुल लंबाई। ओके, और ये फ्लो करती है कहाँ से, सेंट्रल रशिया एंड इनटू द कैस्पियन से, सेंट्रल रशिया से निकलती है, कैस्पियन सी में जाके गिरती है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री ओन्स द फर्स्ट परमानेंट बेस इन द एरिया एट द अंटार्कटिक डिफाइंड बाय द अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, तो विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री ओन्स, कौन सा कंट्री ओन करता है फर्स्ट परमानेंट बेस इन द एरिया एट द अंटार्कटिक डिफाइंड बाय अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, तो ये कंट्री है कौन सी, अर्जेंटीना, आंसर इज डी। लेक विनिपेग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री में लोकेटेड है लेक विनिपेग, ये लोकेटेड है कहाँ पे, कनाडा में, आंसर इज बी। ओके, ये कनाडा में लोकेटेड है और इसका मतलब ये जो लंबाई है इसकी 416 किलोमीटर की ये लंबाई है इसकी लेक की। हाल ही में चीन में किस देश के साथ मिलकर तारों के सबसे दूर के विस्फोट का अध्ययन करने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है, विद विच कंट्री हैज चाइना लॉन्च्ड ए सैटेलाइट टू स्टडी द मोस्ट डिस्टेंट एक्सप्लोजन ऑफ स्टार, तो चाइना ने हाथ मिलाया है मतलब जॉइंटली अध्ययन किया है किसके साथ, फ्रांस के साथ। ओके, आंसर इज ए। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर रेड हेडेड वल्चर इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो ये है उत्तर प्रदेश, आंसर इज बी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।